शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जिन कारण कृष्णा जहर नहीं खा सकती, हम समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। हम भी राजपूत हैं, हमने भी देश आदर्श के लिए अपनी माए बहनें कुर्बान की हैं। बहन जी, ये अर्थी नहीं उठेगी, नहीं, इस घर से अर्थी नहीं डोली जाएगी। आपकी बेटी नहीं, हमारी बहू मरी, कृष्णा राठौड़ों की बेटी नहीं, सिसोदियों की बहू थी, वह अभी मरी नहीं। कल चित्तौड़ जाकर उसकी मृत्यु होगी बहन जी, वहीं उसके संस्कार पूरे होंगे। जिस आदर्श के लिए शादी तय हुई थी, वह आदर्श अवश्य पूरा होगा। भाई जी, राजपूतों के घर में लाशें नहीं ब्याही जाती। मुझे गर्व है अपने पति पर, जो अपने देश की जरूरत के लिए अपनी बेटी को जहर दे सकता है, और उससे भी ज्यादा गर्व है अपनी बेटी पर, जिसने पिता के आदर्श के लिए एक सवाल नहीं पूछा और जान दे दी। आप ही ने तो उस दिन कहा था कि राजपुतानी अगर सती होकर मर सकती है तो सती होकर जी भी सकती है। आपके आदर्श को अगर मेरी बेटी की ही जरूरत है तो कृष्णा न सही मीरा तो है, उसे ब्याह कर ले जाइए। हवेली वाले ताऊ जी है ना, उनकी बेटी की शादी है। और वो घोड़े पर कौन बैठे हैं? रुक्मणी का दूल्हा। निचल बैठ मीरा, हिलती रहती है बस। और मेरा दूल्हा कौन है? तेरा दूल्हा वो रहा सामने, गिरधर। सवाई गिरधर। ओम स्वस्तिन इंद्रो वृद्धश्चवाः, स्वस्तिन पूषा विश्ववेदाः, ओम अग्निर्देवता वातु देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वस्वो देवता रुद्रो देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर् देवतेन। स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, संग्रामे संकटेषु चैव शांत। यह क्या तरीका है भैया? न गृह प्रवेश की पूजा हुई, न देवी का प्रसाद हुआ, न कुल गुरु का आशीर्वाद लिया गया। कैसे करती वो सब? हालत नहीं देखी उसकी? तो एक दिन मेहमान घर में ठहरा दिया होता, कुल की रस्में पूरी के बगैर घर में कैसे प्रवेश होगा बहू का? मैंने तो पूरी कर दी रस्में, और क्या चाहिए तुम्हें? बहू की रस्में बहू की होती हैं भैया, कल जब बहू भोज होगा तो तुम पकाओगे? हमने भी हजारों लड़कियों की शादियां होते देखी हैं, इस तरह तो दौरे पड़ते कभी नहीं देखा किसी को। अकल से काम लो उदा।
अगर घर में मेरी लाश पड़ी हो और तुम्हारी डोली उठा के ले जाए ब्याहने वाले, तो क्या हालत होगी तुम्हारी? दौरे नहीं पड़ेगा तो और क्या होगा? कृष्ण के संस्कार अभी पूरे नहीं हुए थे और हम डोली उठा ले आए। आप कैसी तबीयत है? अच्छी है। बहुत देर से हम इंतजार कर रहे थे। क्षमा चाहते हैं, घर में कदम रखते ही सबको बेहाल कर दिया। नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। आपको भी बहुत दुख दिया, सुख शायद नहीं दे सकूंगी आपको, लेकिन कोशिश करूंगी और दुखी ना करूं। कृष्णा तो मुक्त हो गई और मैं? क्या तुम खुद को बंदी महसूस करती हो? तुम जानती हो ना, जिस आदर्श के लिए यह संबंध जोड़ा गया है। वो आदर्श ही जानती हूं, उस आदर्श का सदा पालन करूंगी। और कोई संबंध शायद न जोड़ सकूं। राजनीति के विचार से राठौड़ों ने समझौता तो कर लिया, लेकिन मन से सिसोदियों के लिए घृणा नहीं निकाल सके। कारण ये नहीं, सिसोदियों के लिए मेरे मन में कोई बैर नहीं। तो फिर क्या कारण है? कारण मेरा अपना विश्वास, मेरा प्रेम। तुम किसी और से प्रेम करती हो? हाँ। राठौड़ है वो? नहीं। सिसोदिया है? नहीं। तो फिर कौन है वो? बचपन से उसी के साथ खेली हूँ, उसी के साथ बड़ी हुई हूँ, उसी से प्यार किया है। और तो उसी से तुम्हारे माँ बाप ने ब्याह क्यों नहीं करवा दिया? ब्याह तो हो चुका है मेरा उसी से। कौन है वो? कृष्ण। कौन कृष्ण? वही जिसकी मूर्ति मैं अपने साथ लाई हूँ। हम नहीं जानते थे कि तुम मजाक भी कर लेती हो। आप मजाक समझते हैं? विश्वास नहीं आता आपको? क्यों नहीं, लेकिन हमने भी तो तुमसे ब्याह किया है, क्या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं? इसे पहनकर विश्वास आ जाएगा। ये जानकर भी कि मैं ब्याहता हूं? हाँ, वो ब्याह तुम्हारी आत्मा का है और ये वचन दो, जब तक ये देह है तुम इसे देह से अलग नहीं करोगी।